टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की लव लाइफ लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच खबर ये भी आई कि दोनों का तलाक हो गया है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया है कि सानिया और शोएब की शादी बुरे दौर से गुजर रही थी। पाकिस्तानी मीडिया में लगातार ये अफवाहें उड़ रही थी कि दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से चल रही इन खबरों के बीच हाल में शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के लिए कुछ ऐसा किया जिससे इन तमाम बातों पर चुप्पी लगती हुई नजर आ रही है। दरअसल इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हाल ही में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम मैच खेला और ऑस्ट्रेलियन ओपन में उपविजेता के तौर पर इस सफर को अलविदा कहा। जब उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की तो उनके साथ पूरी दुनिया भावुक हो गई। नम आंखों से सानिया ने अपने दिल की बात कही और कहा कि यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा। हालांकि इन सभी के बीच सानिया के लिए वो पल बेहद खास था जब ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार प्रदर्शन के बाद सानिया को पति शोएब मलिक ने एक सरप्राइज पार्टी ऑफर की। बकायदा 29 जनवरी को सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कैसे उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें एक पार्टी देकर सरप्राइज दिया। पहली तस्वीर में सानिया अपने बेटे इजहान के साथ केक काटती हुई नजर आ रही हैं। सानिया के इंस्टा हैंडल पर शेयर वीडियो में देखा गया कि सानिया ने अपने घर का दरवाजा खोला और वो काफी सरप्राइज हो गई। दोस्तों को गले लगाते हुए सानिया के पास शब्द कम पड़ गए। वीडियो में उनके पति शोएब मलिक भी नजर आए जो हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए नजर आ रहे थे। सानिया ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और शोएब ने कहा घर में स्वागत है। बता दें शोएब और सानिया के अलग होने की अफवाहें नवंबर 2022 से ही चल रही हैं। इसी बीच शोएब ने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेलने के बाद सानिया के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने लाखों लोगों के लिए सानिया को इंस्पिरेशन बताया और कहा हमें उन पर गर्व है। शोएब ने लिखा आप कई लोगों के लिए प्रेरणा है, मजबूत बनी रहे, अविश्वसनीय करियर के लिए बहुत बहुत बधाई। बता दें 12 अप्रैल 2010 को हैदराबाद में सानिया और शोएब की शादी हुई थी जिसके बाद साल 2018 में कपल का एक बेटा इजहान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।